जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी में। दोस्तों, दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दिवाली 5 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व होता है। धनतेरस से ही दीपावली महापर्व प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था और धनतेरस पर सोना चांदी आभूषण और बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस पावन अवसर पर अगर राशि अनुसार खरीदारी करेंगे तो उसमें 13 गुना अधिक वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें धनतेरस पर राशि के अनुसार कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में बरकत बरकरार रहे और घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो। परंतु उससे पहले, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। धनतेरस पर मेष राशि के जातक के लिए चांदी के बर्तन खरीदना उत्तम फलदायी साबित होगा। इससे मां लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा बनी रहेगी और घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। वृक्षक राशि। धनतेरस पर चांदी के आभूषण की खरीदारी वृक्षक राशि वालों के लिए उन्नतिदायक होगी। जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है वे लक्ष्मी पूजा के लिए चांदी की मूर्ति भी खरीद सकते हैं और ये उनकी तरक्की में वृद्धि करेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले सोने से निर्मित चीजें खरीद तो ज्यादा लाभकारी होगा। धनतेरस पर सोना खरीदने पर मां लक्ष्मी का घर में वास होता है। घर की सजावट के लिए हरे रंग की कोई वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी खरीद सकते हैं, ये भी शुभ रहेगा। कर्क राशि। दिवाली पर श्री यंत्र की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसे में कर्क राशि वालों के लिए धनतेरस पर चांदी का श्री यंत्र लेना श्रेष्ठ रहेगा, और बजट ना हो अगर तो चांदी की पॉलिश वाला भी श्री यंत्र ले सकते हैं। इसकी पूजा करके तिजोरी में रख दे, और कहते हैं कि ऐसा करने पर मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी। सिंह राशि। तो दोस्तों, सिंह राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए? महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सिंह राशि वाले धनतेरस पर सोने के गहने, बर्तन, सिक्के खरीदें। सोना आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। इसके साथ ही कुछ धार्मिक किताबों को भी खरीदकर रोजाना उसका पाठ कर सकते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वाले धनतेरस पर पीतल के बर्तन, श्रीयंत्र या हाथी दांत से बनी वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। यह शुभ सौभाग्य में बढ़ोतरी करेगा। इस राशि के स्वामी बुध हैं, जिन्हें हरा रंग प्रिय है, इसलिए हरे रंग की वस्तु या कपड़े खरीदना भी शुभ रहेगा। तुला राशि। तो दोस्तों, आप जानते हैं तुला राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस पर तुला राशि के जातकों को इलेक्ट्रॉनिक सामान, किचन से जुड़ी वस्तु या चांदी की वस्तु खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इससे आर्थिक पक्ष मजबूत होता है, संपन्नता आती है, या फिर मेकअप या मां लक्ष्मी के श्रृंगार की वस्तु खरीदना भी अधिक लाभकारी होगा। वृक्षक राशि। धनतेरस पर भूमि, भवन, चल अचल संपत्ति में निवेश करने पर वृक्षक राशि वालों को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। सोना या चांदी में से कोई भी धातु खरीद सकते हैं। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर वाहन, पीतल या सोने की गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति घर लाना बहुत शुभ होगा। मान्यता है कि इससे पूरे परिवार को धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। मकर राशि। धनतेरस के दिन मकर राशि वाले लोग इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान या घर के लिए नीले रंग की वस्तु खरीद सकते हैं, जिससे मां लक्ष्मी का वास होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले चांदी के बर्तन या ऐसा सिक्का ले जिस पर मां लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र बना हो। इससे कुबेर देव और
माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होगी और धन से वर्षा करेगी। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए होम अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और पीतल के बर्तन लेना अति लाभकारी रहेगा, या फिर वो प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। धनतेरस के दिन वो भी अति उत्तम रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।